सबसे पहला सवाल दिनेश शर्मा जी आपसे यही है, आप उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी बड़ी चुनौती थी, अभिभावकों के टीकाकरण का कार्यक्रम की भी शुरुआत आप लोग कर रहे थे, क्या सीबीएसई की परीक्षाएं जिस तरह से रद्द की गई है, यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं 12वीं की रद्द करने पर आप लोग विचार कर रहे हैं, और कैसे सब कुछ स्ट्रीमलाइन कीजिएगा, क्या सोच है आपकी सरकार की? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है, हम सब उसका स्वागत करते हैं। छात्र हितों में अभिभावक और शिक्षकों के सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के संदर्भ में स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे 66 जिलों में जो कोरोना कर्फ्यू की स्थितियाँ थी वो उनमें ढील हुई है और कई जगह पे जो पॉजिटिव केसेस थे उनमें कमी आई है, लेकिन आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, उन सारी चीजों को संदर्भ लेते हुए निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश की 12वीं कक्षाओं के बारे में, हालांकि अभी हमने कोई तिथि की घोषणा नहीं की थी, केवल स्थितियां सामान्य होने पर परीक्षा कराई जाएगी, इस प्रकार का निर्णय अभी तक उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब हम पुनर्विचार इसके संदर्भ में जल्दी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक करके, और जो भी छात्र शिक्षक और अभिभावकों के हित में निर्णय होगा वो हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दिनेश शर्मा जी ने आज तक से बात करते हुए कहा कि एक बार फिर से हम 12वीं की परीक्षाओं को लेकर सोचेंगे, विचार करेंगे कि 12वीं की परीक्षाएं कराना संभव है या नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णय के बाद आज तक से जो बात करने का एक सीधा इशारा ये है कि कक्षा 12वीं आपकी यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है वो रद्द करना जो है चाहती है यूपी सरकार, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बड़ा फैसला जो है सीबीएसई के परीक्षा को लेकर लिया है, तो यूपी बोर्ड भी कुछ इसी तरीके से आप लोगों का एग्ज़ाम रद्द करने को लेकर जल्द ही जो है फैसला करेगी। ठीक है, तो आप लोग के लिए अच्छी ये खबर है और फाइनली ये चीज़ें अच्छी भी होनी चाहिए। जो भी अपडेट आ रही है यूपी बोर्ड से जुड़ी आप लोगों तक पहुँचा रहे सही और सटीक। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।